हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम है फुदू कुमार और मैं आपके लिए ले आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त जियोपॉलिटिकल न्यूज़। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से एक अमेरिकन और चाइनीज़ के बीच में हुई थी लड़ाई कुछ दिनों पहले। ये लड़ाई काफ़ी वायरल हो रहा है। तो बात करते हैं, चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया है। इन लोगों ने एक वीडियो वायरल करा दी अपने पूरे देश में, और उसके अलावा चाइना ही नहीं, अब पूरे दुनिया में ये वीडियो तेज़ी से फैल रहा है। आखिर ये क्या वीडियो है, कैसा वीडियो है और किस तरह का लड़ाई है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो अब बात वीडियो पर आते हैं। तो बात करें उस फेमस वीडियो की जो चाइनीज़ मीडिया ये दिखाती है कि किस तरह से हॉलीवुड वाला मूवी की जैसा USA ने चाइना के एयर बैलून को मार गिराया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन मीडिया के न्यूज़ आउटलेट, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। चाइना इज ट्रोलिंग द US ओवर इट्स स्पाई बैलून हिस्टीरिया। वैसे ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया बात तो सही ही कह रही है, जो चाइना वाले वीडियो बनाए हैं उसको आप ट्रोलिंग ही कह सकते हैं। और ये अब बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है पूरी दुनिया में, क्योंकि देखिए फर्स्ट पोस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है। मिशन इम्पॉसिबल, चाइना ट्रोल्स लंपून US ओवर स्पाई बैलून शूटिंग हिस्टीरिया विद अनयूजुअल डॉग फाइट। अब बात हो गई बहुत इस वीडियो के बारे में, इस लड़ाई के बारे में। अब तनिक वीडियो को देखिए और वीडियो का मजा लीजिए कि किस तरह से चाइना और अमेरिका के बीच में हुई थी लड़ाई। तो देखा आपने, वीडियो में बहुत ही बढ़िया लड़ाई दिखाया गया है। एकदम ज़बरदस्त चाइनीज़ बैलून अमेरिकन एयरक्राफ्ट को डॉज कर रहा था। आपने कुछ नोटिस किया, वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रही थी वो हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी जिसका नाम है मिशन इम्पॉसिबल की है। एकदम मूवी वाला फीलिंग डाल दिया चाइना वालों ने। बस टॉम क्रूज की कमी थी, फिर तो बॉक्स ऑफिस में भी हिट हो जाता और ऑस्कर तो पक्का ही था। आपको बता दें कि ये जो बैलून चाइनीस वाला है, ये वही बैलून है जो चाइना के हिसाब से वेदर को स्टडी करने के लिए बनाई गई है, और चाइना से ये बैलून गया कनाडा। मतलब कि आपको बता दें कि ये बैलून पहले चाइना से उड़ा, फिर गया कनाडा में, फिर कनाडा से होते हुए अमेरिका, और अमेरिकन वालों ने उस बैलून को ठोक दिया। तो ऐसा ठोका ठोकी हुआ कि अमेरिका वालों ने चाइनीज़ एयर बैलून को उड़ा दिया, और इस उड़ाने के बीच चाइना तो खूब ट्रोल कर रहा है अमेरिका को। तो अमेरिका का ये कहना है कि अमेरिका कह रहा है कि ये जो बैलून वाली हरकत चाइना ने के तरफ से की गई है वो USA की इंटरनेशनल वायोलेशन को वायोलेट करता है, और USA की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का बिना परमिशन लिए हुए USA के टेरिटरी में घुस आया। USA का दावा है कि एयर बैलून में लगे हैं बहुत सारे, जिसमें स्पाइंग भी हो सकती है। मतलब कि उस एयर बैलून से USA कहना है कि चाइना कोई वेदर का स्टडी नहीं कर रहा था, उससे वो स्पाइंग करने के लिए भेजा गया था उस बैलून, एयर बैलून को चाइना की तरफ से। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि चाइना बहुत होशियार देश है। तो हुआ क्या कि चाइना हो सकता है कुछ भी, मान लीजिए वो कुछ भी कर रहा था, लेकिन चाइना बहुत चालाक देश है। तो जब चाइना, जब USA वालों ने बैलून को मार गिराया, तो चाइना की सरकार को अपने जनता के बीच मनोबल बढ़ाना था और एक तरह से पूरा दुनिया को भी संकेत देना था कि नहीं, ये कुछ गलत नहीं किए हम लोग, इसीलिए, और अपना जनता के में भी हीरो बनना था सरकार को, तो इसीलिए वो एक वीडियो बनाती है और अपने आप को टॉम क्रूज का बाप मानती है। देखे ना आप लोग कैसे वीडियो में एकदम ज़बरदस्त वाला एकदम डॉग फाइट वाला सीन था, फिर मिशन इम्पॉसिबल का
गान बैकग्राउंड म्यूजिक था और किस तरह से वो डॉज कर रहा था अमेरिकन एयरक्राफ्ट को और कैसे करके वो बच गया लेकिन लास्ट में मारा गया। तो एक तरह से स्पाइंग भी कर रहा था अगर चाइना का, उसके ऊपर हमेशा आरोप लगता ही है। अगर चाइना के ऊपर भरोसा करना बेकार है, चाइना के ऊपर भरोसा कभी जिंदगी में किसी को नहीं करना चाहिए। चाइनीज माल हमेशा घटिया रहता है, कुछ ना कुछ करने के लिए वो लोग आइले रहता है, इसीलिए चाइना से तनी दूरी बना के ही रखना चाहिए। और अमेरिका वाला जानता है कि ये ससुरा होशियार है, कुछ वो कर सकता है, इसीलिए बिना परमिशन के चलिए। आपको वेदर भी अगर फोरकास्ट करना है उसी से अगर स्टडी भी कर रहे परमिशन ले लीजिए, आप चुप चुप ऊपर में उड़ा दीजिएगा फिर। हाँ, उसमें का कर रहे का नहीं कुछ पते नहीं है, दुनिया भर को उसमें कैमरा लंदर फंद लगा दिया है और बस उड़ा रहा है, ये सब तो गलत बात है। तो इसी को वो पकड़ा गया, तो उसी को चलते वो पकड़ा गया तो बस सब कुछ अंदाजी वीडियो सब बना रहा है, अपना देश के जितने पब्लिक को बता रहा है। तो अब ये हो रहा है कि यूएसए ने तो उस एयर बैलून को मार गिराया है, तो उस एयर बैलून जो गिरा और उसका जो मलबा है उसको यूएसए वाले ने कब्जा कर लिया है। तो अब चाइना यूएसए से अर्ज कर रहा है कि आप हमको वो मलबा को दे दीजिए, लेकिन यूएसए वाला कह रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे तुमको, कह देंगे तुम्हारे ऊपर स्पाई करोगे तुमको हम मलबा को दे दें, हमारा से बुड़बक हो काबे का क्यों बोला ऐसा। और रिसेंटली चाइना का ऑफिशियल मीडिया की तरफ से एक पोस्ट पब्लिश की गई है जिसमें कुछ इस तरह से दिखाई गई है, और एक तरह से यूएसए के F-22 रैप्टर को सीधे मुंह में बेइज्जती कर दी है और लिखा है F-22 रैप्टर द बैलून किलर, उसमें लिखा गया है। देखिए इस फोटो में गौर कीजिए कैसे एक पायलट F-22 रैप्टर एयरक्राफ्ट का फोटो खिंचा रहा है और बोल रहा है कि आई प्राउडली प्रेजेंट टू यू F-22 रैप्टर द बैलून किलर। और आगे देखिए न्यूज़ वाला सब कैमरा और माइक लेके सब खड़ा है उसके आगे। तो इस फोटो को देख के ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये यूएसए को अपने न्यूज़ मीडिया से कैसे ट्रोल कर रहा है पोस्ट के थ्रू। और बात यहीं नहीं रुक रहा है, अब ये पता चल रहा है कि ये जो बैलून उड़ाने का जो खेल कर रहा है चाइना, ये सिर्फ यूएसए में ही नहीं बल्कि टोटल 5 कॉन्टिनेंट्स में की जा रही है। देखिए ABC न्यूज़ की रिपोर्ट कि क्या कहते हैं वो इस बैलून को उड़ाने वाला खेल में। तो चाइनीज सर्वेलेंस बैलून पार्ट ऑफ मासिव प्रोग्राम ओवर 5 कॉन्टिनेंट्स ब्लिंकन, इसका मतलब ये है कि ये टोटल 5 महादेश में ऐसा बैलून वाला प्रोग्राम कर रहे हैं। अब पता नहीं इसे कौन सा वेदर को पढ़ रहे हैं कि किसी को स्पाई कर रहे हैं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देखिए और ही एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ पता चली है कि कुछ दिनों पहले, अब बात करते हैं कि हम लोग अब बहुत अमेरिका कर लिए, अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत इंडिया की। तो इंडिया में ही में भी ऐसे बैलून को उड़ते हुए देखा गया है। एक रिपोर्ट है इंडिया टुडे की, उसमें दावा किया गया है कि देखिए क्या कहती है ये रिपोर्ट, मिस्ट्री बैलून होवर्ड ओवर अंडमान निकोबार आइलैंड अराउंड ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल। तो इस रिपोर्ट को समझिए कि ये जो बैलून वाले खेल हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड में भी देखा गया था, वो भी ऐसे समय में जब इंडिया वाले मिलिट्री ड्रिल कर रहे थे, तब इसमें आर्मी एयरफोर्स और नेवी ट्राई सर्विस मिलिट्री ड्रिल कर रही थी। बात को समझिए, चाइना को इस रीजन में इंडिया से बहुत ही परेशानी है क्योंकि ये रीजन मलक्का स्ट्रेट के काफ़ी नज़दीक है। सोचिए कभी चाइना का बैलून कभी उड़ते उड़ते दिल्ली या उत्तराखंड के ऊपर आ गया तो हम क्या करेंगे, क्या हम भी बैलून को ठोक देंगे या उड़ा देंगे। सोचिए इस बात को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए अगर हम ऐसे सिचुएशन में आके फंस जाएं। तो इन सभी को देखते हुए ये जो बैलून वाला कांड है चाइना की तरफ से, इस बीच रसिया भी कूद पड़ा है और कूदा भी ऐसे कि रसिया के बोल चाइना की सपोर्ट ही दिख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में रसिया की फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन क्या कहती है, रसिया कॉल्स यूएस रिएक्शन टू चाइनीज बैलून हिस्टेरिकल, फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन सेज चाइना एक्टेड रेस्पॉन्सिबली इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन।
तो अब मुद्दा ये है कि छोड़िए चाइना को, छोड़िए यूएसए को, अब बात आती है हमारे प्यारे भारत की। अगर ऐसे कभी कुछ बैलून, कुछ खुराफाती हरकत चाइना तो करे इंडिया की ओर, तो क्या करना चाहिए इंडिया वालों को, भारत की सरकार को, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए फुदू कुमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कृपया अगर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।